गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो अब जो है गवर्नमेंट की नज़र है एसटेट पर, वैकेंसी अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, तो इससे जो बच्चे हैं वो इस चीज़, जिनका एसटेट क्लियर है उनके लिए ये रहता है कि मैम कंपटीशन इंक्रीज होगा या नहीं होगा, और जिनका अभी तक एसटेट क्लियर नहीं हुआ है वह सोच रहे हैं कि भाई इस भर्ती में उनको भी शामिल कर लिया जाए, जल्दी से एसटेट हो जाए। तो इससे जो है आपका अब देखना ये होगा कि क्या कुछ पॉसिबल होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आज निकल के आई है स्टेट के रिगार्डिंग, क्या अपडेट है, वो आपके साथ शेयर की जा रही है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आज की अपडेट है, फिर उसके बाद जो हमारा एनालिसिस है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हरियाणा पत्र तब परीक्षा यानी कि एसटेट के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार होगा, इसके लिए शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय पर एसटेट के विशेष विशेषज्ञों की बैठक जो है करवाई गई है। तो स्पेशल बैठक करवाई गई है ताकि जो सिलेबस है उसका विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके, क्योंकि एसटेट के सीटेट के मुकाबले ये जो है पाठ्यक्रम बहुत ही कम माना गया है अकॉर्डिंग टू भिवानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीपी यादव, उन्होंने बताया कि एनसीटीई की एवं शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी जनसूचना पत्र के अनुसार करवाया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम प्रारूप को अमली जामा पहलाने के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही शिक्षा विभाग सरकार द्वारा भेज दिया जाएगा, यानी कि जो सिलेबस है उसको और वाइड करने की बात कही गई है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिलेबस चाहे कितना भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका जो पास परसेंटेज होता है एसटेट में लगातार कम होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता है। तो और ज़्यादा डीपली, और ज़्यादा मतलब इसको जो है पढ़ाने का क्या कुछ मतलब है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि हर एक ऑलमोस्ट इसमें हरियाणा जी के आपकी इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये मैंने पहले भी बता दिया था और 100% श्योरिटी है कि आपका जो भर्ती है वो हो या ना हो, लेकिन एसटेट 100% लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का रिसोर्स है इनकम का, और अगर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं, कोई भी हो इसमें, सभी ये सोचते हैं कि अगर उनका एसटेट पास हो जाता है तो उनको भी इस भर्ती में ऐड किया जाए, ताकि हमें भी कंपटीशन करने का मौका मिल जाए। तो इससे कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन उससे पहले भर्ती आ जाए तो द बेस्ट है, ताकि इस तरह का जो मुद्दा है वो उठे ही ना। तो आपकी जो अक्टूबर या नवंबर में आपका एसटेट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ रही है जिससे कि उनकी रिसोर्स जो इनकम है वो ना हो। आपके जो फॉर्म है, आपके जो पीजीटी के फॉर्म है, वो भी 3 बार निकाले गए, ठीक है, और डबल टाइम, जैसे कहा गया था कि फीस में रिलैक्सेशन होगा, लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं था, क्योंकि किसी के पास कोई कागज़ नहीं मिलता है, किसी के पास कुछ रह जाता है, किसी के पास कुछ रह जाता है, तो कहीं ना कहीं फ़ीस दोबारा से ही उनको पे करनी होती है। और अगर अब तीसरी बार नोटिफिकेशन आएगा तो लग रहा है कि अब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि नई वैकेंसीज आएंगी, उसके साथ साथ दोबारा से कुछ चेंजेज हुआ होगा तो वो भी फिल करना होगा। तो इससे क्या है, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ, जो बच्चे हैं वो आपकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये मान लिया है कि इनकम का रिसोर्स है, लेकिन जो उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन इसका रिजल्ट उन्हें जल्द ही देखने को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो एसटेट की जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपना जो बीएड कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एसटेट ज़रूर होगा, और 100% इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, पहले भी बहुत डीपली पूछा जाता था, लेकिन अब भी और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आएंगे, ताकि फॉर्म सब भरे लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही कम परसेंटेज आए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि हर एक क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स का नहीं, बाकी और पोर्शंस का भी बहुत ही डीपली पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी तैयारी पर फोकस रखना है और अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है। तो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो अपनी एसटेट की तैयारी में लग जाए, और जिन बच्चों का स्टेट क्लियर है वो अपनी एचपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि जल्द ही नोटिफिकेशन मिलने वाला है, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा उसकी अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।
सो अगर आप पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पूनम जून नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और जो हमारे नोट्स हैं, क्योंकि एक दो दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस प्लस उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड वीडियोज़ होंगी और जो भी आपकी क्वेरी होगी सारी की सारी सॉर्ट आउट की जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। और जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आप इसमें जोड़ सकते हो उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स जोड़िए ताकि कंपटीशन इंक्रीज हो। और उसके साथ साथ जो भी बंदे जुड़े हुए हैं उनसे सिर्फ यही बात है कि आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जितने पूछेंगे तभी उस ग्रुप का फ़ायदा है, वैसे कोई बेनिफिट नहीं है। आप ग्रुप में ऐड हो गए और आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, कोई भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, कोई भी आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, कोई आप प्रॉब्लम आप ले नहीं रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ग्रुप में ऐड हुए हो तो एक्टिव तरीके से होइए, उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं आपस में क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए ताकि आपकी भी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो और उसके साथ साथ हम भी आपका पूरा सहयोग दे सकें कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए यहीं पर करते हैं एंड, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, और बच्चे कह रहे थे कि मैम जो एग्ज़ाम है वो हमारा सब्जेक्टिव मोड में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता क्या? तो देखो, हमें तो लगता नहीं, 99.9% चांस हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। और बस अब तो सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से कैसा भी हो बस एक बार एग्ज़ाम ले ले, क्योंकि जो भी फंक्शन है वो सबके लिए है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है भाई सबने, क्यों? क्योंकि अगर हमारी चलनी ही नहीं तो कम से कम बस ये है कि कैसे भी करके 2016 से जो भर्ती नहीं निकल रही है, बार बार निकलती है फिर एंड हो जाती, निकलती है फिर एंड हो जाती, तो बच्चे हो चुके हैं परेशान, ओवर एज होते जा रहे हैं, एस्टेट एक्सपायर होता जा रहा है और जो पढ़ने का रूटीन है वो भी लगभग बंद ही हो चुका है। लेकिन आपको अपना डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छी सी तैयारी करनी है, भर्ती ज़रूर होगी और उसके साथ साथ आपको इतने साल हो गए अपना देते हुए, तो इस साल और आप बस पूरी लगन मेहनत के साथ अपना 100% परफॉर्मेंस अब की बार आपको देना है। गवर्नमेंट चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपका जो सिलेबस है उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, आएगा सिलेबस के अंदर से ही, ठीक है। तो हम अपनी जो तैयारी करेंगे बिल्कुल अपर लेवल तक करेंगे, यानी कि एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना डीपली जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाया जाए ताकि किसी भी टाइप से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आप उसका जवाब दे पाओ। सो थैंक यू सो मच अगेन। और जो आपका सपोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है पूनम जून नाम से उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड कोई भी डाउट हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो या फिर पर्सनली अगर आप टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करना चाहते हो तो टेलीग्राम के थ्रू आप मैसेज कर सकते हो। कई बार कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा उसकी जो है प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर नहीं करते। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो टेलीग्राम के थ्रू हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं, या फिर आप इंस्टा पे भी जो है हमसे सवाल जवाब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड प्लीज़ प्लीज़ अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिएगा। थैंक यू।